भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के ओपनर्स ने धमाकेदार शुरुआत दी। ओपनर शिखर धवन और शुभमन गिल ने कीवी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि शिखर धवन और शुभमन गिल पहले 10 ओवर में काफी स्लो नजर आए, लेकिन बाद के 10 ओवर में दोनों ने अपना गियर चेंज किया और रनों का अंबार लगा दिया। इन दोनों की बदौलत टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिला और कह सकते हैं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। शिखर धवन और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 124 रनों की पार्टनरशिप हुई। शिखर धवन ने इस दौरान 72 रन बनाए और 77 गेंदें खेली। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शिखर धवन ने 13 चौके लगाए हैं और 13 चौके छोटे मैदान पर आए हैं, यानी कि साफ है कि शिखर धवन ने मैदान पर ग्राउंडेड शॉट्स खेले हैं और गैप पर फोकस किया है। इसके अलावा अगर शुभमन गिल के प्रदर्शन की बात करें इस मैच में, तो उन्होंने 50 रन बनाए लेकिन 65 गेंदें ली। इस दौरान एक चौका और 3 छक्के लगाए, यानी कि युवा खिलाड़ी है, छक्कों पर ही भरोसा करते हैं, ग्राउंडेड शॉट भी लगाते हैं और आराम से टाइम लेकर शुभमन गिल ने ये 50 रन पूरे किए। हालांकि शिखर धवन जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे शुभमन गिल को, वो देखकर ये साफ हो रहा था कि दोनों की ओपनर के बीच में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन के साथ वो रन बना रहे हैं। शुरुआत में बॉल स्विंग हो रहा था तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आराम से टिक कर विकेट पर टाइम लिया। उसके बाद जब 10 ओवर के बाद स्विंग खत्म हुआ, फिर दोनों ने तेजी से रन बनाए और अपना अपना अर्धशतक पूरा किया और इसकी वजह से ही पहले विकेट के लिए 124 रनों की पार्टनरशिप हुई। यूं कह सकते हैं कि एक बड़ी पार्टनरशिप, 100 रन की पार्टनरशिप जब कोई ओपनर अपनी टीम के लिए करते हैं तो उसके बाद टीम मजबूती में पहुंच जाती है, टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिलता है और वैसा ही कुछ शुभमन गिल और शिखर धवन ने किया। हालांकि शुभमन गिल के लिए ये साल काफ़ी अच्छा चलते जा रहा है, क्योंकि पिछली 10 पारियों पर गौर करें तो शुभमन गिल का बल्ला लगातार रन बना रहा है। इस बीच उन्होंने एक शतक भी लगाया। शुभमन गिल की अगर हम पिछली 10 पारियों को देखें तो 4 बार वो अर्धशतक लगा चुके हैं और एक शतक भी जड़ा है। इसके अलावा साल 2022 की बात करें तो शुभमन गिल के लिए काफ़ी अच्छा गया है। इस दौरान उन्होंने 64 रन बनाए हैं, 43 रन बनाए, 98 नाबाद बनाए, 82 रन बनाए, 33 रन भी निकले बल्ले से। फिर जाके उनका पहला शतक 97 गेंदों पर 130 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा 3 रन भी उनके बल्ले से निकले जब जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर 28 रन, 49 रन और अब 65 गेंदों पर 50 रनों की पारी आई है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि शुभमन गिल एक ओपनर के तौर पर दस्तक दे रहे हैं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में आप उन्हें खिलाइए, या फिर अभी से आप जो गेम प्लान हमने बनाया है 50 ओवर का, उसमें उन्हें रखिए और लगातार उनसे ओपनिंग कराइए। दूसरी तरफ शिखर धवन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका बल्ला शांत है, उनके बल्ले से भी 3 से 4 हाफ सेंचुरी पिछली 10 पारियों में आ चुकी है और अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी भी शिखर धवन में वो दम बाकी है जिसके बूते वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया को पहले वनडे में शुभमन गिल और शिखर धवन ने 124 रनों की शुरुआत दी और ये एक अच्छा संकेत है कि टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में अभी भी अच्छी ओपनिंग के लिए जानी जाती है।